हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग काफ़ी समय से सोच रहे होंगे कि कोई वीडियो क्यों अपलोड नहीं हो रही है, क्या हुआ है। तो मैं आप सबसे आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे GBS नाम की बीमारी हुई है, जो कि इंडिया में बहुत ही रेयर है। 10 लाख लोगों में से 100 लोगों को ये बीमारी होती है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ताकि भविष्य में अगर किसी को ये रोग हो तो मेरा वीडियो उसके लिए यूज़फुल हो और वो मेरी रिकवरी देख के इंस्पायर हो सके और वो हताश ना हो। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे 2 सितंबर से हल्का सा फीवर और डायरिया हुआ था। वो मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उनको विज़िट करके मेरा ठीक हो गया था। 10 तारीख के अराउंड मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। 11, 12 और 13 तारीख को मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे और सब लोग होते हैं। 13 तारीख को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में, लोअर में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ था, बस हल्का सा खिंचाव। तो मुझे लगा शायद बेड सिटिंग पोजीशन की वजह से, अच्छे से ना बैठने की वजह से मुझे ये खिंचाव हुआ होगा। मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके कंफर्टेबल होके मैं बैठ गई। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि कुछ ज़्यादा सीरियस है। 13 तारीख की रात बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैं 14 तारीख को उठी, मेरा जो लेफ़्ट लेग है वो बिल्कुल काम करना बंद हो गया था। इवन कि मैं खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। मैं जैसे ही बेड से उतरी मैं गिर गई। तब मुझे पता चला कि मेरा लेफ़्ट लेग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैंने मेरे घर पे बताया कि मेरा लेफ़्ट लेग काम नहीं कर रहा है। तो हम सबको ऐसा लगा कि शायद कोई नस दबी होगी, उसके वजह से ऐसा हुआ होगा। तो हमने तुरंत ही एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट को घर पे बुलाया। उन्होंने जब चेक किया तो उनका भी यही कहना था कि हाँ, कोई नस ही दबी होगी। मेरे हालत उससे ना और बिगड़ती गई। लेफ़्ट लेग से वो सीधा मेरे लेफ़्ट हाथ पे आ गया। मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा करके काम करना बंद हो रहा था। मैं अपने जो डेली लाइफ में जो हल्का फुल्का जो काम करती थी वो मैं नहीं कर पा रही थी। 14 तारीख को मेरा लेफ़्ट हाथ बंद हुआ। फिर 15 तारीख को मेरा राइट हाथ और राइट पैर में हल्की सी कमज़ोरी मुझे महसूस होने लगी। तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास गए। 16 तारीख को सुबह 5:30 बजे ही हम डॉक्टर के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था ऋषिकेश एम्स। तो एम्स में जो है नंबर लगाना, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, इसलिए हम जो है सुबह 5:30 बजे चले गए थे। तब भी हमारे टोकन का नंबर था 73 नंबर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम्स में एंट्री करना कितना मुश्किल है। जैसे तैसे करके हम 5:30 के गए हुए, हमारा डॉक्टर के साथ विजिट हुआ 10:30 बजे। तो उनका ये कहना था कि हम डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकते, तो आपको पहले ऑर्थो को या फिर PMR करके वो अंदर में एक उनका एक है OPD जैसा, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें OPD सजेस्ट किया। तो हमने कहा ऑलराइट, हम PMR में दिखा लेंगे। तो हम जैसे ही PMR में गए, उन्होंने मुझे चेक किया। तो उन्होंने बोला केस थोड़ा सीरियस है, तो आप जल्दी से न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। उन्होंने जो हमारी फाइल थी उसमें जल्दी से जल्दी न्यूरोलॉजिस्ट के लिए लिख दिया। तो उनकी मदद से हमारा जल्दी नंबर लग गया न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए। तो OPD न्यूरोलॉजिस्ट में हमने डॉक्टर मयंक से कंसल्ट किया। तो उन्होंने सा डाउट किया कि शायद आपको GBS हो सकता है, पर आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा, NCV टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक इलेक्ट्रिक चेकअप ट्रीटमेंट होता है। ये इससे आपका चेक होता है कि आपकी नसों में इलेक्ट्रिसिटी कितनी तेज़ी से पास हो रही है, ये उसमें चेक होता है। तो जैसे ही उन्होंने लिख दिया, हम न्यूरोलॉजी लैब में चले गए। तो वैसा ही है, उन्होंने हमसे पूछा कि आपका कितने महीने बाद का है। तो हमने बोला अभी, हमें तो डॉक्टर साहब ने अभी बोला है। तो जैसे उन्होंने हमारी फाइल देखी, उन्होंने हमें तुरंत ही कंसिडर किया और हमारा टेस्ट हुआ। वो टेस्ट करने में लगभग आधा घंटा लग गया। और सच बताऊँ तो वो काफ़ी पेनफुल टेस्ट था। मेरे पैर में शुरू से ही सेंसेशंस थी, मतलब वो सुन्न नहीं हो गया था। इसलिए जब वो शॉट्स दे रहे थे तब वो काफ़ी पेनफुल था, पर चलो हो गया वो टेस्ट। सो डॉक्टर मयंक ने
एनसीवी की रिपोर्ट देखने के बाद हमें कंफर्म कर दिया कि आपको जीबीएस है और आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जो आईवीआईजी करके दवाई लगती है वो काफ़ी महंगी है। तो हमने कहा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले ठीक होना ज़रूरी है, आप हमें एडमिट कर दीजिए। उन्होंने बोला आप 6th फ्लोर में चले जाइए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होगा, वहाँ पे आप एडमिट होंगे। हम 6th फ्लोर में गए न्यूरोलॉजी लैब में, पर वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने हमें बताया कि आप एक दो दिन इमरजेंसी में रुक जाइए, फिर हम आपको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम इमरजेंसी में गए तो वहाँ पे भी वही दिक्कत थी कि वहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं थे। फिर हमने सोर्स लगाया, पहचान उस समय काम आती है इंसान की, तो हमने सोर्स लगाया और हमें इमरजेंसी में बेड अवेलेबल हुआ। हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट रात को 3 बजे शुरू की। मेरे हस्बैंड ने बाहर से जाके दवाई लाई, एम्स में वो दवाई अवेलेबल नहीं है ऐसा हमें बताया गया, तो हम बाहर से दवाई लेके आए और हमने रात को 3 बजे ट्रीटमेंट शुरू किया। तो IVIG मेरा लगना था 100 ग्राम। तो ये IVIG कितना लगना है ये अपने वेट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हम 60 किलो के हैं, अगर मान के चले हम 60 किलो के हैं तो आपको 120 ग्राम IVIG लगेगा। जैसे कि मैं 47 किलो की हूँ इसलिए मुझे 100 ग्राम IVIG लगा, जो कि मुझे 5 दिन के अंदर उन्होंने देना था। तो 5 दिन का जो मेरा IVIG का ट्रीटमेंट था वो पूरा मेरा इमरजेंसी वार्ड में हुआ। इमरजेंसी वार्ड में मैं टोटल 10 दिन हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, उसमें से 8 दिन मैं इमरजेंसी में थी और बाकी के 2 दिन मुझे न्यूरोलॉजी वार्ड में ले जाया गया ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इस पीरियड के दौरान डॉक्टर ने हमें समझाया कि GBS क्या है, आपको इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये रिकवर हो जाता है। पर ये क्यों होता है? तो इसका सबसे पहला कारण है कि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है उसका अचानक से बूस्ट हो जाना। जैसे ही आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है वो अंदर ब्लास्ट हो जाता है और हमारे शरीर की जो नसें हैं वो सारी ब्लॉक हो जाती है। इसके कारण आपका शरीर मूव नहीं हो पाता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो स्लो हो जाती है क्योंकि ब्लॉकेज के कारण। तो इसकी शुरुआत कोई भी एक पैर से होती है, जैसे कि हमें डॉक्टर ने बताया कोई भी एक पैर से होती है, फिर वो ऊपर ऊपर बढ़ते जाती है और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। और लास्ट स्टेज इसका होता है कि वो हमारी सांसों पर अटैक करता है और आपको अगर सांसों पर अटैक कर दिया तो आपको वेंटिलेटर में भी रहना पड़ सकता है। भगवान की कृपा से मुझे सांसों पर अटैक नहीं हुआ, मेरे सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर ही इसमें इन्फेक्ट हुए थे। मुझे चेहरे में या फिर सांस में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपको चेहरे पे कुछ महसूस हुए, टेढ़ापन हो या फिर दांतों में कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो आपको सिर्फ लिक्विड लेना है, तब आपको हार्ड चीज़ें नहीं खानी है। पर मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ इसलिए मैं रेगुलर फूड जो होता है मैं वही कंज्यूम कर रही थी और मैं अभी भी नॉर्मल फूड ही खाती हूँ। तो 10 दिन ऑब्जर्वेशन के बाद मेरे हाथ थोड़े थोड़े बहुत मूव हो रहे हैं, जैसे कि ये हाथ इतने खुलते हैं और ऊपर करने में मतलब ताकत बहुत लगती है, पर मैं ऊपर कर सकती हूँ पर मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरे हाथों की प्रोग्रेस है। और मेरा राइट लेग थोड़ा थोड़ा काम करता है और जो लेफ्ट लेग है उसमें अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं अभी भी खुद से खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ। एम्स ऋषिकेश में मेरा केस डॉक्टर आशुतोष के अंडर में था, तो मेरा केस डॉक्टर विनायक सर देख रहे थे। काफ़ी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट मुझे लगे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे केस को हैंडल किया। उनके साथ उनका असिस्टेंट भी था डॉक्टर ओ बुधाचरण, वो भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर रहे। और इमरजेंसी वार्ड में जैसा मुझे लगा, जैसा बाकी सबको लगा, विन्या नेगी जी एक काफ़ी अच्छी नर्स मुझे लगी। वो सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, सबकी दवाइयाँ, सबको किस किस टाइम सबकी दवाइयाँ वगैरह हो गया, मतलब बहुत अच्छे से ख्याल वो उनका रखती थी। डॉक्टर से बार बार उनकी
पेशेंट्स के लिए कंसल्ट करना, उनका कंसल्ट लाके उस पेशेंट को अच्छे से समझाना, उनको कन्वेंस करना ताकि वो ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं। तो ये उनका स्वभाव की बहुत ही अच्छी खासियत है, वो हमेशा सबको हंस के ट्रीट करती हैं। तो इसके कारण जो पेशेंट को भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम कहीं बाहर हैं, मतलब बहुत एक अच्छा अपनापन सा है उनके अंदर। तो मुझे वो बहुत ही अच्छी नर्स लगी। जहाँ तक दवाइयों की बात है, जैसे ये बीमारी रेयर है वैसे उसकी दवाई भी रेयर है। दवाई भी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हमने यहाँ पे आसपास के जितने भी एरियाज़ थे जहाँ पे दवाइयाँ प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि ज्वालापुर, रुड़की, ऋषिकेश, देहरादून, हमने हर जगह दवाई के लिए ट्राई किया था। और कभी कहाँ से, कभी कहीं से एक डोज लाते थे, कभी कहीं से दो डोज लाते थे, ऐसे करके हम लगभग सारे डोज बाहर से ही लाए थे। एम्स के अंदर में ये दवाई अवेलेबल नहीं है ऐसा हमें बताया गया था, पर जो लास्ट के दो डोज थे वो हमें हमारी संस्था उमिया माताजी संस्थान उंझा के मैनेजर श्री संजय पटेल सर ने पीएमओ ऑफिस में बात करके दो डोज हमें प्रोवाइड करा दिए थे। तो मैं उनका भी बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो दिन ऐसा था कि हमें बाहर से भी डोजेस नहीं मिल रहे थे, मतलब डोज का इतना शॉर्टेज हो रहा था कि लोग अपनी मनमर्ज़ी से पैसे मांग रहे थे और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। ऐसे समय में उन्होंने हमारी मदद की और लास्ट के दो डोज उन्होंने हमें प्रोवाइड करा दिए। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और मैं हमारे अकाउंटेंट सर अमृत सर का मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनकी भी, उन्होंने भी दवाई ढूँढने में हमारी बहुत मदद की थी। मैं उन सब डॉक्टर्स और नर्सेस को थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा केयर किया, जिन्होंने टाइम टाइम पे मुझे विज़िट करके मुझे सही गाइडलाइंस दी। और मैं उन सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, तन मन धन से मेरी मदद की। उन सबको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। अगर आप सबको मैं कौन से फिजियो करती हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं कैसी एक्सरसाइजेस करती हूँ, मेरा डाइट क्या है, अगर ये सब चीज़ें भी आपको जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। और अगर हम किसी और डॉक्टर को विज़िट करेंगे या फिर कुछ और चीज़ें हमारे लाइफ में होगी तो वो भी हम ज़रूर वीडियो बना के डालेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बता के हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।